हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैट कैंप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फेस पर रेडियस कैसे बनाए। फेस रेडियस पर मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ। मैं ये मेरा चौथा वीडियो है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप देख रहे हो कि ये कॉम्पोनेंट देख के आप समझ गए होंगे कि ये रेडियस कैसा है। ये रेडियस हमारा यहाँ पे है, ये रेडियस हमारा फेस में बीचों बीच नहीं है, ये यहाँ पे है। आप देखो 25.5 इसका डाया है, इसके ऊपर में रेडियस है R64 का। R64 का ये रेडियस है। ये मेरे व्हाट्सएप में बना था, तो हमने सोचा कि इस चीज को आपको शेयर करूं, मैं बताऊं कि किस तरह से ये बनेगा। तो अगर आप बिगनर हैं और सीएनसी सीख रहे हैं तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीखने के टाइम पे हम सारी चीजें सीखते हैं। अगर सीख के आप कहीं पे सेट हो गए, कहीं पे काम करने लगे, तो फिर कुछ जानकारियां जो होती है वो छूट जाती हैं। तो ये फेस रेडियस का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, व्हाट्सएप में मेरे बना हुआ है प्रोग्राम है। मैं स्क्रीन का मैं आपको इसका प्रोग्राम का फोटो आप इसमें ऐड कर दूंगा, जो हमने इसका प्रोग्राम बनाया हुआ है, स्क्रीन का फोटो इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो आइए जानते हैं कि इस फेस पे रेडियस का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका डायमेंशन जान लेते हैं। ये डाया है हमारा 100 mm, 100 mm का। ये डाया है हमारा 100 mm का, और R64 का ये रेडियस है। R64.0 का ये रेडियस है। ये डाया है हमारा 25.45, सॉरी, ये डाया है हमारा 25.5, और ये डाया है जहां से ऊपर से रेडियस स्टार्ट हुआ है। देखो, यहां से रेडियस हमारा स्टार्ट हुआ है, ये है हमारा 72 mm। ये डाया है 72 mm, यहां से आप देखोगे तो ये डाया है 72 mm, और 32 mm ये इसकी लंबाई है। यहां से लेके यहां तक 32 mm इसकी लंबाई है, और 9 mm जो है हमारा, जो R64 का रेडियस है, 9 mm ये इसकी लंबाई है। 100 mm डाया है हमारा, 72 mm ये डाया है, ये यहां से आएगा 72 mm हमारा, ये डाया है 72 mm, 25.5 हमारा ये डाया है। यहां से रेडियस स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है 72 से, और हमारा मिल कहां पे गया है, 25.5 पे। यहां पे यहां से स्टार्ट होके 72 से स्टार्ट हो रहा है, और 25.5 पे हमारा ये रेडियस मिल गया है। तो आइए इसका हम प्रोग्राम समझ लेते हैं, किसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें मैं टूल कौन सा इस्तेमाल करूंगा। इस पार्ट को बनाने के लिए मैं टूल कौन सा लगाऊंगा। मैं टूल लगाऊंगा BNMG राइट टूल। मैं टूल लगाऊंगा BNMG राइट टूल। BNMG राइट टूल मैं इस्तेमाल करूंगा। BNMG राइट टूल, BNMG राइट टूल से ये बनेगा, और किसी टूल से नहीं बनेगा। आप चाहो कि CCMP से बना दें, DCMP से बना दें, लेकिन नहीं बनेगा वो, आपका ये BNMG से ही बनेगा। और BNMG टूल को हम किसमें लगाएंगे, सी ब्लॉक में। BNMG टूल को हम लगाएंगे सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक में लगा के इस पार्ट को मैं बनाऊंगा। तो कैसे लगाएंगे हमारा BNMG टूल, कैसे होता है, मैं ये प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया हूं ताकि वीडियो काफी लंबी नहीं बने। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को कम टाइम में निपटाने की, लेकिन अगर वीडियो लंबी बनती है तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस तरह से आपके पास में कोई भी प्रोग्राम आते हैं, कोई भी पार्ट आता है, तो आप उसे बना दोगे। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं मैं, आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि यहाँ पे रेडियस कुछ भी हो सकता है, ये डायया कुछ भी हो सकता है। बस अगर इस तरह से कोई पार्ट आपके पास में आता है तो उसे बनाना कैसे है आपको ये समझना है कि हम कैसे बनाएंगे। अगर हमारा कुछ इस तरह से पार्ट आता है, हमारे पास होगा सी ब्लॉक। सी ब्लॉक, सी ब्लॉक में हम क्या करते हैं, टूल को लगाएंगे, टूल को लगाएंगे। हमारा BNMG राइट टूल है,
ये टूल कुछ इस तरह से होता है। ध्यान दीजिए, हम इस्तेमाल करेंगे सी ब्लॉक का और बीएनएमजी राइट टूल। तो बीएनएमजी राइट टूल का जो इस्तेमाल करेंगे तो हमारा यहां पे इस तरह से आएगा, इस तरह से। इस तरह से हमारा राइट टूल आएगा। सही से बन नहीं पाया है, आप बीएनएमजी टूल का इस्तेमाल करना। अब हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम, हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम। हमने क्या किया, मैं हेडर नहीं लिख रहा हूं यहां पे, हेडर आप लिख दीजिएगा। मैं सीधा आता हूं प्रोग्राम पे, गो एक्स 72.0 जेड 2.0 G01 जेड माइनस 31.031.0 ये हमारा 32 नंबर। देखो ये हमारा 32 नंबर। सबसे पहले आप समझ लो कि जब इसको हम बनाएंगे ये रेडियस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम टर्न कर लेंगे 25, ये डाया बना लेंगे हम 25 और ये लंबाई हम 32 कर लेंगे। देखो ये लंबाई हम 32 एमएम कर लेंगे और ये 25 एमएम डाया कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, इसको पहले इस तरह से तैयार कर लेंगे, जैसे मेरा ये है 32 एमएम लंबाई है और 25 एमएम ये हमारा डाया है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसका रेडियस लगा रहे हैं। तो प्रोग्राम क्या कर रहा है, वो एक्स 72.0 डेट 2.0 हमारा टूल यहाँ पे खड़ा हो गया यहाँ पे। अब इसको हम एक बार में नहीं कर सकते, हम इसका रेडियस एक बार में नहीं लगाएंगे। अगर एक बार में लगाऊंगा मैं टूल हमारा टूट जाएगा। हम क्या करेंगे, एक एक एमएम का कट देंगे, एक एक एमएम का हम कट देंगे। ये देखो 64.064 का हमारा रेडियस है, G01 जेड माइनस 31.0 यहां से टूल चला फेस से और 31 माइनस यहां पे आ गया, एक एमएम इससे बाहर में है, ये फेस से एक एमएम बाहर है। फिर क्या है, फिर 0.5 थोड़ा स्पीड में हमने लेके आया और यहां से एक एमएम फेस से एक एमएम आगे है। फिर जेड माइनस 32.0 आप देखो यहां पे G01 नहीं लगाया हूं मैं, इस जगह पे मैं G01 नहीं लगाया हूं। मशीन अगर एक बार आपने G01 लगा लिया तो मशीन ऑटोमेटिक पढ़ लेती है कि हमें G01 में ही जाना है। आगे अगर आप G01 नहीं लगा रहे हैं तो मशीन ये पढ़ लेती है कि हमको G01 में ही जाना है। तो यहाँ पे मैं G01 नहीं लगाया हूँ, मशीन ऑटोमेटिक इन चीजों को पढ़ लेती है। जेड माइनस 32.0 फिट 0.15 अब टूल हमारा यहाँ पे टच हो गया। पहले क्या था, जेड माइनस 31 यहाँ से इस फेस से 31 आया था, ये साइज हमारा कितना है 32 एमएम, यहां से लेके यहां तक कितना है 32 एमएम। अब जेड माइनस 32.0 यहां से एक एमएम हम 0.15 की स्पीड में आएंगे, फिर 0.15 आराम से यहां से फेस पे टच हो गया। अब हम क्या करेंगे, G03 एक्स 25.0 काउंटर क्लॉक वाइज, देखो यहां से G03 एक्स 25.5 जेड माइनस 33.0 एक एमएम का हमने कट लिया, 33 करेंगे क्योंकि 32 तो हमारा ये लंबाई है, यहां से यहां तक की लंबाई है 32 एमएम। हमने क्या किया, जेड माइनस 33.0 जेड माइनस मतलब हमारा वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो रहा है फेस से, हमारा वैल्यू फेस से कैलकुलेट हो रहा है। जेड माइनस 33.0 R100.0 अब देखो यहां पे ये R100 यहां पे क्यों लिखा हूं, क्योंकि जब आप सर्कल बनाओगे तो अगर आप 64 कर रहे हो तो 64 के सर्कल में ये आपका अंदर में ज्यादा जाएगा, इसलिए मैं R100 किया हूं, R100.0 फिर 0.15 ये क्या किया, यहां से कटिंग किया एक एमएम का, मैं R100 किया हूं, एक एमएम कटिंग किया। ये कटिंग कैसे करेगा, ये हमारा टूल है, देखो ये हमारा टूल है बीएनएमजी राइट टूल। हमने क्या किया है, सी ब्लॉक में बीएनएमजी राइट टूल को इसको क्लैंप किया है, बांध दिया है। अब जब ये कटिंग करेगा 72 से तो कुछ इस तरह से होगा, यहां से कटिंग करेगा तो ऐसे होगा, ये कटिंग आपका हो जाएगा, ये एक एमएम कट किया इसने, एक एमएम कट किया इसने। G03 एक्स 25.5 हमारा लाया है 25.5
जेड माइनस जी जीरो थ्री एक्स 25.5 जेड माइनस 33.0 एक एमएम का इसने कट लिया यहाँ पे, यहाँ से इसने एक एमएम का कट दिया। आर 100.0 सौ का हमने इसमें रेडियस दे दिया। जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा, जैसे जैसे इसका मैं कट बढ़ाऊंगा, उसी तरह से ये हमारा जो आर है इसको मैं क्या करूंगा, इसको कम करते जाऊंगा आर को। अब हमारा यहां तक हो गया क्लियर, यहां से यहां तक आ गया 25.5 तक। अब जी जीरो वन जेड माइनस 30.0 अब मैं क्या करूंगा, यहां से टूल को बाहर निकालूंगा, यहां से टूल को बाहर निकालूंगा, बाहर कितना निकालूंगा जेड माइनस 30.0 फिट 0.3 30 ये 32 है, तो यहां से इस फेस से 2 mm टूल हमारा आ गया जाएगा जेड माइनस 30.0 गो एक्स 72.0। अब बाहर आके देखो यहां पर है, बाहर आके फिर 72 पे गया, ये यहां पे खड़ा हो गया 72 पे गो एक्स 72.0 ये हमारा 72 पे आ गया। फिर जी जीरो वन जेड माइनस 32.0 यहां 72 पे आया खड़ा हो गया। अब यहां से जी जीरो वन जेड माइनस 32.0 पहले 30 पे था 30 पे अब 32 पे हो गया जेड माइनस 32.0 ये हमारा फेस पे टच हो गया यहां पे। अब जी जीरो थ्री एक्स 25.5 जेड माइनस 34.0 अब हमने क्या किया काउंटर क्लॉकवाइज में जी जीरो थ्री एक्स 25.5 हमारा यहां पे आएगा रेडियस बना के जी जीरो थ्री एक्स 25.5 जेड माइनस 34.0 पहले हमने क्या किया था एक एमएम का कट किया था 33 हुआ था 32 और एक 33 अब मैंने क्या किया है जेड माइनस 34.0 यहां से कट लिया और यहां पे आ गया जेड माइनस 34.0 आर 90.0। अब देखो हमने यहां पे आर 90 कट दिया है, पहले जब मैं फर्स्ट कट दिया था एक एमएम का तो वहां पे दिया था मैंने 100 mm अब मैंने हमने क्या किया आर 90.0 हमने आर 90 कर दिया जो हमारा रेडियस है। हमारा दो कट हो गया, एक कट लिया एक एमएम का, दूसरा कट लिया 2 mm का। अब मैं क्या करूंगा जी वन देखो यहां पर मैं जी वन लगा जाऊंगा, जी जीरो वन नहीं लिखाऊंगा पूरा बारीकी समझा रहा हूं आपको मैं, यहां पर मैं लगाया हूं जी वन। जी वन मशीन पढ़ लेती है कि हमको जी जीरो वन में चलना है, आप जी जीरो वन लिखो या जी वन लिखो मशीन आपका एक लीनियर में चलेगा। जी वन जेड माइनस 30.0 हमारा रेडियस बनाने के बाद में टूल हमारा 30 पे आ गया, यहां पे आ गया 32 यहां से लेके यहां तक है, इससे थोड़ा 2 mm आगे यहां पे आ गया गो एक्स 72.0। अब मैं इसको टूल को रैपिड ले जा रहा हूं स्पीड में, यहां से 72 पे आ गया इस जगह पे 72.0 और जेड माइनस कितना है 30 है, इस फेस से 2 mm आगे है यहां पे टूल खड़ा हो गया जी जीरो वन जेड माइनस 32.0 3.25। अब यहां से जो 2 mm आगे था यहां से आगे ये फेस पे टच हो गया, इस फेस पे ये टच हो गया। अब हम लिखेंगे जी जीरो थ्री एक्स 25.5 यहां से हमारा रेडियस बनाएगा टूल, यहां से 72 पर टूल हमारा खड़ा हुआ है गो एक्स 72.0 और जेड माइनस 32.0 हमारा यहां फेस पे टूल खड़ा हुआ है यहां पे। अब मैं क्या करूंगा जी जीरो थ्री एक्स 25.5 25.5 हमारा लाया है जेड माइनस 35.0 एक कट 33 का हो गया, दूसरा 34 का और तीसरा 35 का। जी जीरो थ्री एक्स 25.5 जेड माइनस 35.0 आर 85.0 अब हमने आर यहां पे कम कर दिया। देखो हम क्या कर रहे हैं ऊपर से जो हमारा आर है वो माइनस में आ रहा है, आर 100.0 आर 90.0 आर 85.0 आर 85.0 टूल हमारा क्या किया काउंटर क्लॉक वाइज में रेडियस बना के यहां पे आ गया यहां पे 85.0। अब मैं क्या करूंगा जी जीरो वन जेड माइनस 30.0 टूल हमारा रेडियस बना के यहां पे आ गया, इस फेस से 2 mm आगे 30.0 गो गो एक्स 72.0 टूल हमारा यहां पे आ गया
इस फेज से दोनों आगे, क्योंकि 30 है, G01Z माइनस 30.0 हमारा यहां पे आ गया। तो इसी तरह से आप क्या करोगे, माइनस करते जाना आपको ये रेडियस। अगर ये रेडियस आप माइनस नहीं कर रहे हो, ये रेडियस आप माइनस नहीं कर रहे हो, तो जो आप पहला कर दोगे, जो हमने पहला कर दिया उसको, तो ये दिया कितने का, आर सौ का, आर सौ का। तो इसने एक एमएम आर काटा। अगर गलती से कहीं आप यहां पे आर 90 कर देते, यहां पे आर 90 कर देते, तो ये हैवी कट लेता, बेशक एक एमएम माइनस में जाता, लेकिन ये आपका कट यहां से पूरा लगना शुरू कर देता। तो आपको रेडियस का भी कम करते जाना है, और जेड माइनस जो है तो इसी तरह से आपको कम करते जाना है। मैं पूरा अगर प्रोग्राम लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, बस आप ये समझ लो कि आपको इस तरह से आना है। अब हम बनाएंगे फाइनल, हम इससे क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसे रफ कर लिया, रफ करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका फाइनल बनाएंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको कितना लगाना है, आपको ऐसे ही जो 64 है, हमने क्या किया यहाँ पे आर 85 और जेड माइनस 35, हमें कितना आना है, 32 और 9, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, हमें आना है 41 तक, जेड माइनस हमें 41 तक आना है। अभी हम कितना आए हैं, अभी मैं आया हूं जेड माइनस 35.0, 35 तक, जेड माइनस हम अभी आए हैं 35 तक, हमें 41 तक आना है। तो आप ऐसे ही करना, 90 है तो फिर ये आ गया 85 आपका, 85 से फिर आप कम होते जाओ, कम होते जाओ, 85 से आप 80 कर लो, फिर उसके बाद से 85, फिर 70, फिर 65, ऐसे ऐसे करके आपको 64 तक आना है। तो 64 तक नहीं आना है आपको, 64 से थोड़ा आप 66 लाके आप रोक दो वहां पे, क्योंकि फिनिशिंग के लिए आर 66 और जेड माइनस आप आओ 40 तक, रफिंग के लिए इसका आप नीचे प्रोग्राम लिख लो, जेड माइनस आओ आप 40 तक, जेड माइनस 40 तक, और आर आप आओ 66 तक, क्योंकि आर दो का आप आर 64 है, तो 66 आप लिख लो और 64 पे आप इसको फिनिश करना, और जेड माइनस 40 तक आप सेम इसी तरह से आप लिखते जाना। अब हम बना रहे हैं इसका फाइनल, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब बना रहा हूं मैं इसका फाइनल, मैं बना रहा हूं इसका फाइनल, ये हमारा रफ हुआ है, अब हम बना रहे हैं फाइनल। गो एक्स 72.0 जेड 2.0, हमने क्या किया, रफ कर दिया, रफ करने के बाद में अब मैं इसको फिनिश करूंगा, मैं G41 का यूज करूंगा, कंपास दिशा लगाऊंगा G41, इसको मैं फिनिश करूंगा। गो एक्स 72.0 जेड 2.0 हमारा टूल यहां पे आ गया 72 पे, और फिर से दो एमएम आगे, गो एक्स 72.0 जेड 2.0 G01 जेड माइनस कितना है 32, जेड माइनस 32, हम करेंगे जेड माइनस 30.0 टूल हमारा आ गया यहाँ पे 72 डाय पे जेड माइनस 30, इस फेस से दोनों आगे 72 डाय पे, ये फेस से दोनों आगे, यहाँ पे टूल हमारा आगे खड़ा हो गया। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे कंपनसेशन G01 G41 जेड 0.0 5.25, टूल हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टच हो गया। हमने क्या किया, पहले गो एक्स 72.0 जेड 2.0 पहले टूल हमारा यहाँ पे आया था 72 डाय पे, और फिर से दोनों आगे G01 G41 जेड 0.0 टूल हमारा यहाँ हो गया। अब देखो यहाँ पे G01 जेड माइनस हमने क्या किया 30 किया था, ये है 32, आप समझो इन चीजों को,
यहां से ये फेस से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये फेस से यहां तक की लंबाई कितनी है 32 mm, तो हमने क्या किया g01z-30.0 हमारा इस फेस से 2 mm आगे है। फिर हमने यहां पे कंपास सीधा लगाया g41 z 0.0 फिर 0.25, पूरा हमारा यहां पे खड़ा हो गया, इस फेस पे टच हो गया। अब यहां से हमारा बनेगा फाइनल रेडियस, यहां से बनेगा फाइनल रेडियस g03 x कितना है 25.5 z माइनस कितना है 32 और 9 41 z-41.0 r 64.0 feet 0.15 r हमारा 64। अब फाइनल में मैं ये 64 डालूंगा, पहले हमने रफ किया था और ये हमारा फाइनल है r 64.0 feet 0.15। अब मैं क्या करूंगा g01 z 2.0, अब मैं क्या करूंगा यहां से टूल को, जब ये रेडियस बनाया यहां से रेडियस बनाया g03 x 25.5 z-41.0 r 64.0, इसने क्या किया रेडियस बना दिया। रेडियस बनाने के बाद में जब यहां पे आ गया, अब यहां से मैं लीनियर में यहीं से लेके जा रहा हूं आगे z 2.0 g01 z 2.0 गो g40 x 250.0 z 20.0। अब मैं यहां से इसको कैंसिल कर दिया, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को हमने क्या किया कैंसिल कर दिया, यहां से जब z2 आ गया फिर यहां से हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद टूल हमारा कहां पे गया g40 x 250.0 z 20.0, 250 आ जाएगा यहां से 250 पे चला जाएगा और z 20.0। अब हम करेंगे यहां पे g28 u 0.0 w 0.0, आप पुल एंड ऑफ कर दो, स्पिंडल ऑफ कर दो, उसके बाद से m30 कर दो। बस आपको ये लॉजिक बता रहा हूं मैं कि अगर आपका इस तरह से कोई पार्ट आ रहा है, कोई कंपोनेंट है बनाने के लिए, तो आपको किस तरह से बनाना है। इसको बनाने के और भी तरीके हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो तरीका भी इस्तेमाल करूंगा मैं, लेकिन हमने जब बनाया था तो मैं इसी तरीके से बनाया था, जब मैंने मशीन पे इस प्रोग्राम को बनाया था तो मैंने इसी फार्मूले से बनाया था। तो जिस तरह से हमने बनाया है ठीक वही फार्मूला आपको यहाँ पे मैं बताया हूँ। मैं सीएनसी मशीन का प्रोग्राम मैं इसमें ऐड करूंगा और जब भी हमारे पास में ये कंपोनेंट बनने के लिए आएंगे, मेरे हिसाब से 2 महीने या 3 महीने के अंदर में ये कंपोनेंट बनने के लिए जरूर आएंगे, साल में दो बार तीन बार ये कंपोनेंट बनने के लिए आते रहते हैं। फिर उसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो आपको बना के दूंगा कि इसको हम कैसे बना रहे हैं, प्रैक्टिकल वीडियो उसका मैं डालूंगा। दोस्तों अगर चैनल पर नया है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपने अब तक कुछ सीखा कि नहीं सीखा। अगर आप सीएनसी सीख रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आप हर चीजों को सीखिए क्योंकि आगे जाके जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो कई तरह के आइटम आएंगे आपके पास में। तो क्रिटिकल टाइप में जो भी प्रोग्रामिंग है, रेडियस हो गया, चैम्बर हो गया, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। सिंपल क्या होता है कि टर्निंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, तो ये लगभग सब कोई कर लेता है, लेकिन जो क्रिटिकल होते हैं इस पे आप ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।